हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें कि 26,001 पदों पर भर्ती आने वाली थी, इस भर्ती प्रक्रिया पे हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी और फाइनली अब इन 26,001 पदों पर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई और नहीं कह रहा, सरकार की कोई जो प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता या फिर सरकार के मंत्री नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है। आपको कल के न्यूज़पेपर में ये मिल जाएगा। मैं अपने सोर्सेस के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जो लगाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, उसे अब जो है रिमूव कर दिया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, पूरी जानकारी, सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी कि जेटेट होगा नहीं होगा और क्या क्या बातें हाईकोर्ट के द्वारा बताई गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस चैनल को जरूर उन तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, चाहे वो व्हाट्सएप माध्यम बने, टेलीग्राम पर, जिस मीडियम से आप उनसे बात करते हो उन तक जरूर इस चैनल को पहुँचाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जो बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले जेटेट दो बार एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया झारखंड में 2012 और 16 में। अगर आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विथ आंसर चाहिए होंगे तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपको जो है 70 रुपीज में ये जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन। आई रिपीट, इसमें सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेटेट 2023 होगा अथवा नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन से पहले आपको पता है यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम था जगन्नाथ महतो। ठीक है, अभी फिलहाल जो है कमोबस जो है सारी बातें हेमंत सोरेन के माध्यम से ही जो है डायरेक्टरेट हो रही है, लेकिन इससे पहले जो है जगन्नाथ महतो सारा डिसीजन लिया करते थे शिक्षा विभाग से रिलेटेड। और उन्होंने क्रिस्टल क्लियर हजारों बार ऑन कैमरा ये बातें कही थी कि ये जेटेट 2023 कंडक्ट नहीं कराएंगे और पहले से जो विद्यार्थी 2016 में पास कर चुके हैं, 2012 में पास कर चुके हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में जो है शामिल किया जाएगा। ऐसा इन महानुभाव का कहना था, वो महानुभाव अब हमारे बीच नहीं रहे, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। अब हेमंत सोरेन जी का भी ये शुरू से ही मानना रहा है कि हम लोग जेटेट कंडक्ट नहीं कराएंगे और सीधे नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पुराने विद्यार्थी हैं उन्हीं को जो है बहाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कैच आपको मैं बता दूं, ये 26,001 पदों में ना 13,000 लगभग, आई रिपीट, मैं फिर से कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए बता देता हूँ, लगभग 12,000 कुछ पद हैं, तो मैं इसको 13,000 मानकर चलूंगा। 13,000 पद जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। आप इनमें से एक भी पद स्टील यानी चोरी नहीं कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। यानी कि ये सारे पद जो है पारा शिक्षकों के द्वारा भरे जाएंगे, आप उसमें जो है शामिल नहीं हो सकते हो। देख रहे हो सरकार की राजनीति, नए विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से ग्रेजुएशन करा, फिर उसके बाद बीएड करा, डीएलएड करा, लेकिन ये कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। पारा टीचर जो 10th 12th पास करके यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन बीएड करके भी आए हैं, आई रिपीट, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं दे आर नॉट अ वेरी मच एलिजिबल। जी हाँ, वो एलिजिबल नहीं है, क्वालिटी उनके अंदर उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से नए विद्यार्थी जो कि शिक्षक बनने चाहते हैं वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाएंगे पुराने शिक्षक। लेकिन फिर भी 13,000 पद उन लोगों के लिए देना कहाँ की जो समझदारी है, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिलहाल हाईकोर्ट के द्वारा जो बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देखिए यहां से आपको ये देखिए दिख रहा होगा डेली स्टेटस। जी हाँ, और एक और बात, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले ना आप लोगों से एक छोटा सा सर्वे करा लेता हूं। जो लोग भी जेटेट कंडक्ट कराना चाहते हैं कि 2023 कंडक्ट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जेटेट 2023 लिख दीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम, नेटिव प्लेस का नाम जरूर लिखें। जैसे सपोज कर लो कि आप देवघर से देख रहे हो तो देवघर झारखंड जरूर लिख दें। अगर आप दुमका, गोड्डा, गढ़वा कहीं से भी देख रहे हो वीडियो को तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम और जहां से आप वीडियो को देख रहे हो वो जरूर आप मेंशन करें ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आप इस वीडियो को कहां कहां से वॉच कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब यहां से देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस केस नंबर, यहां से आप देख सकते हो केस नंबर यहां भी है, CNR नंबर है, यहां केस नंबर है। बहादुर महतो वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के द्वारा ये केस लड़ा गया था। डेट आप यहां से देख सकते हो 5/10/2023 की, 5 अक्टूबर की डेट आपको दिख जाएगी यहां पे।
शॉर्ट ऑर्डर नेक्स्ट डेट फिक्स कर दिया गया है, ऑर्डर भी दे दिया गया है, और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी, नेक्स्ट पर्पस होगा वो 28/11 यानी कि अब जो है केस नवंबर में चलेगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये हुई है कि सरकार ने रोक हटा दी है। झारखंड में जो 26,001 पदों पर रोक हटी थी, अब जो है सरकार 2 या 4 दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जीएसएससी के द्वारा कि भैया जो रोक लगी थी वो हट गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे जेटेट नए वाले का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, ये रोक लगी हुई थी तो आपके लिए एक उम्मीद की जो डोर थी वो बंधी हुई थी और वो डोर के सहारे आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जैसे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया है इसे जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा, सरकार पूरा फोकस लगाएगी नियुक्ति प्रक्रिया पे और जेटेट नए वाले को कंडक्ट कराने के बारे में वो बाद में सोचेगी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद। अब आप बोलोगे कि अच्छा, एक केस नहीं था जिसमें हम लोगों ने केस करा था सीटेट को वैलिड कराने के लिए, और एक केस था जेटेट को आयोजित कराने के लिए, फैसला उस पर सुरक्षित रख दिया गया है। तो देखिए, माननीय कोर्ट के द्वारा उसके एक फैसला को जो है सुरक्षित रख लिया गया था उस फैसले को, और उस फैसले पे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। मैं आपको झूठ में कुछ भी बातें नहीं बताना चाहता हूँ, बरगलाना नहीं चाहता हूँ जो बातें हैं। उस फैसले को सुरक्षित रिजर्व रख लिया गया है एंड देयर इज़ नो डेवलपमेंट टिल नाउ, देयर इज़ नो डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट की बातें यहाँ पे सामने नहीं आई है। तो ऐसे में यू हैव टू वेट कीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एक और बात, इसके बाद जो है जेटेट 2023 वाला केस या सीटेट 2023 वाला केस, हम लोगों की दिल से एक इच्छा है कि प्लीज जो है हाईकोर्ट उस पर जल्दी फैसला सुनाए, ताकि सरकार ये ना बहाना बना सके कि नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है, मेरिट लिस्ट आ गई है वगैरह वगैरह। तो सरकार से के साथ साथ सरकार के मंत्री या विधायक या कोई भी प्रतिनिधि या फिर उनके कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक बार जेटेट का आयोजन कराया जाए और नए जो बीएड डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी दर्द, उनके कष्ट को देखा जाए। लाखों लोगों ने कर्ज लेकर, माँ के गहने बेचकर, जमीन बेचकर जो है बीएड डीएलएड करा है, उनके पैसे को थोड़ा यूटिलाइज किया जाए। हम लोग 6-7 साल से सिर्फ जेटेट का आयोजन के की बाट जो रहे हैं, देख रहे हैं एक्चुअली जो है हम लोग इंतज़ार ही किए जा रहे हैं, अभी तक हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं है। झारखंड के मूल निवासी होने के बावजूद हम लोग जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, और एक एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी की तलाश में हम लोग हैं, लेकिन सरकार वो भी नहीं दे रही है। सीजीएल का डेट आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या ये नियुक्ति प्रक्रिया को भी आगे 3-4 महीने के लिए बढ़ाकर एक जेटेट का आयोजन नहीं किया जा सकता है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, और ऐसे में आपकी जो राय है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरे किस बातों से सहमत हो और किन बातों से असहमत हो, नीचे ज़रूर बताइएगा। इस उम्मीद में मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं, और जाते जाते नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा जिन लोगों ने वीडियो को यहां तक देख लिया है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और वीडियो को साझा करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।